हिमाचल प्रदेश के बिस्क क्षेत्र ज्वाली में सह प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, नूरपुर जिलाध्यक्ष अजय महाजन, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व सीपीएस नीरज भारती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तरीय रैली विश्राम गृह ज्वाली से लेकर शिव शक्ति पैलेस भनेज तक निकाली गई। कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए तथा भाजपा आई महंगाई लाई के भी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे बैनर लेकर रैली निकाली तथा बनेई में रैली का समापन हुआ। हिमाचल प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता के दम पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव के दौरान महंगाई के मुद्दे का मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में समय द्वारा की गई कोई एक उपलब्धि तो गिनवा दें, ताकि जनता जान सके कि भाजपा द्वारा सच में ही विकास करवाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मात्र भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगार की जननी है, जिसके कार्यकाल में जनता को मात्र पिसाई जा रहा है। झूठे सब्ज बाग दिखाकर जनता को महंगाई की मार से मारा जा रहा है। अब जनता भाजपा को समझ चुकी है तथा भाजपा का सफाया होना तय है। इस मौके पर फतेहपुर के विधायक भिवानी सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर गुरशन कुमार चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंधा, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष देशराज, नगर पंचायत ज्वाली के अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष एवी पठानिया, पूर्व जिला परिषद सुनील डिम्पल, बीडीसी उमेश दीमान, करण मेहरा, लोहड़ा पंचायत प्रधान रघुवीर सिंह भाटिया, सुखबीर भाटिया, जिला कांग्रेस सेवा दल महामंत्री गुरचरण सिंह, सचिव जग्गा सनोरिया, सचिव विवेक कुमार, शशि चौधरी, अखिल रैना, विनय चौधरी, सौरभ चौधरी, नगर पंचायत पार्षद पुष्पा चौधरी, पूजा सीमा, सुनील खट्टा, रोबिन कुटलारिया इत्यादि मौजूद रहे। बीजेपी वालों के बारे में क्या बोलूं, वो भुखलाहट में आ गए हैं। ये जो चार उपचुनाव हुए हैं और चारों में चारों जो जनता ने जो फतवा दिया है, मुझे लगता है कि इनको भुखलाहट हो गई है। और ऐसे बयान जो कर रहे हैं, मतलब मुझे इसका कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, बहुत दुल्हे हैं और बरात भी बहुत बड़ी है। ये मैं कहूँगा कि ये सरकार का अहम तोड़ा लोगों ने, ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतनी शहादतों के बाद तकरीबन 700 लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और उसके बाद अब ये जो किया है, मतलब चलो देर आई दुरुस्त आई, पर बहुत देरी से किया ये। इनफैक्ट जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की, उसी दिन साथ में अनाउंस करना चाहिए था कि ये सारे केसेस जो हमारे किसान भाइयों के खिलाफ एजिटेशन के दौरान हुए हैं, वापस करने चाहिए थे। और जो लोगों ने शहादत दी है इस बड़े काम के लिए, उनके लिए एक अच्छी उचित रकम मुआवजे के तौर पे कि उनके परिवारों जो हैं वो आगे वो मतलब उनकी रोज़ की जीने के लिए आसानी हो जाए, वो अनाउंस करनी चाहिए थी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनानी थी, वैसे तो इनको तकरीबन 15 साल हो गए कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बनाने में, और हमने मतलब हमेशा कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। पर इसमें जो है अब जो है, अब जब चुनावों के लिए तकरीबन एक साल रह गया और अगले साल तकरीबन अक्टूबर में आचार संहिता लग जानी है, तो मतलब समझो कि 7-8 महीने रह गए। तो अगर बनानी, जिसे बनाना चाहते तो जब ये सरकार बनी थी तब बनानी थी। अब तो जो बनाएंगे वो एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट होगा, जो भी आर्थिक या अदर जो लाइबिलिटीज होंगी अगली सरकार की होंगी। तो इसका इसमें जो भी है, आई थिंक ये जो है एक पॉलिटिकल जुमला ही है।
अगर करना होता तो इसको 4 साल पहले करना चाहिए था। नूरपुर का विकास जो है सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स में हुआ है। एक भी प्रोजेक्ट नूरपुर में जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हुआ नहीं हुआ। जितने भी अभी तक उद्घाटन अगर हुए होंगे वो मतलब कांग्रेस टाइम के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके हुए होंगे, वो भी इनफैक्ट कंप्लीट नहीं हुए। और इनकी हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से राजेश कौंडर की रिपोर्ट। या तो रख सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।